चलो ये एक आसान पार्ट मतलब आसान क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन, एक पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है और कैसे चलता है, क्वेश्चन में बताया गया है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मोशन, जस्ट से स्टार्ट हुआ है विथ ए कॉन्स्टेंट फोर्स। अब देखो कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है तो एक्सलेशन भी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब ये हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा इसमें। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज एस वन। अब देखो यहाँ से चला और ये S1 चला और उसने टाइम ले लिया 10 सेकेंड, ठीक है चलो, और कवर्ड 20 नेक्स्ट फर्स्ट 20 सेकेंड। ध्यान देना यहां से टाइम स्टार्ट हुआ था t इक्वल टू जीरो, तो O से A तक जाने में डिस्टेंस S1 हुआ, फिर आगे जब गया B तक, B पॉइंट तक, तो वो जो डिस्टेंस चला यहां से वो S2 चला और ये चला S1, और यहाँ से जो टाइम लग गया वो 20 सेकेंड लग गया, मतलब यहाँ से S1 और S2, तो हमें S1 और S2 को रिलेट करना है, समझना। अब क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली लगा सकता हूँ, सेकेंड कैटेगरी का प्रॉब्लम है जिसमें एक एक्सलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं पहले के लिए लगाऊं तो टाइम दिया यस दिया, तो इसका मतलब मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन के लिए लगा रहा हूं। तो एस वन जस्ट से चला था जीरो हाफ जी जी नहीं ए एक कांस्टेंट और टाइम टी का स्क्वायर, ठीक है, टेन का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा जो एस टू आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ ए और ये 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड में डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट सेकेंड में डिवाइड कर दोगे तो एस टू इज इक्वल टू 4 टाइम्स एस वन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, मतलब 4 बी ऑप्शन सही है, आसान था ये, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन।